देखिए मतदाताओं में तो उत्साह है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रशासन खुद चुनाव लड़ रहा है। आज हम अभी बोर्ड पे खड़े हैं, एक जी मतलब जो है दरोगा साहब मतलब कह रहे थे हमें अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि प्रत्याशी भी मतलब जो है जाके चेक नहीं कर सकता है? फिर वहाँ के जो है कोई तीसरे साहब आगे कहने लगे हमें तो पता ही नहीं है प्रत्याशी जा सकता है। तो मैं आपके की से अपील करना चाहता हूँ, ये बताइए चुनाव आयोग निर्देशित करे, अगर आप प्रत्याशियों को ही मतलब जो चेक इन का अधिकार नहीं देंगे हैं, तो हालांकि वो मान गए, लेकिन सवाल ये है कि कोई और होता तो भ्रम में डाल देते। सही बात है। और आपने देखा होगा दाह गाड़ी में लाठी अच्छा अच्छा 200 खेड़े में 11 12 13 में लाठी चार्ज करा जी। अच्छा अच्छा चलो हम अभी से अभी अभी तुरंत चुनाव आयोग को आप इसे कंप्लेंट भिजवाइए और मैं जो तुरंत मौके पे पहुंच रहा हूँ। कैसा उत्साह है और क्या क्या लग रहा है? उत्साह तो है, आप देख रहे हो आपके साथ आपके सामने सूचना दाह खेड़ी के मतलब जो है तीन तीन बूथ बंद करा दिए जो है लाठी चार्ज करके जो है, और एक जहाँ पर जो है कह रहे हैं कि मतलब हैंडपंप के निशान पे जो है बटन ही जो काम नहीं कर रहा है वो डाल रहे हैं। तो इस तरह की जो सूचनाएं आपके सामने आई है जो है हम तुरंत चुनाव आयोग को हम डाल रहे हैं। ऐसा सर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आरोप था कि आपके समर्थक थे जो पैसा बांट रहे थे और शराब बांट रहे थे, उनके पास से कुछ पैसा भी मिला 51,000 रुपए। और मदन भैया का समर्थन 51,000 रुपए रखेगा भैया है? उनके पास नहीं लेखा जोखा कुछ नहीं, प्रशासन जो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, एजेंट के रूप में। वो तो पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं, पत्रकारों पे प्रेशर बनाने के लिए कह रहे हैं, पत्रकारों के भी वहाँ उसमें रजिस्टर में नाम निकले। अरे सार्वजनिक करिए ना, आप सार्वजनिक करिए, कर नहीं सकते ये सार्वजनिक, इन्हें पता है जो है इनकी बोलती बंद हो जाएगी पत्रकारों के नाम, क्यों पता है कि मतलब कैसे जो है ये सब पे प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। वे जो लोग पकड़े हैं वो आपके समर्थक नहीं है? ये झूठे पकड़े जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अभी एक यहाँ पर बुढ़ाना रोड पर एक कोई पुलिस अधिकारी ने ये आधार कार्ड को मतलब नहीं माना जो है, और एक मतदाता को धक्का दिया, वो किसी पत्रकार ने वीडियो शूट कर लिया और वो वीडियो सब जगह वायरल हो गया है, और अभी समाजवादी पार्टी ने भी उसको ट्वीट किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।